अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने फ्रीजी हेयर की वजह से परेशान हैं? क्या आप लोगों को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि ना तो आपके बालों में यहाँ तंगी होती है और ना ही तो आप लोगों के बाल सीधे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ना ही तो कोई स्ट्रेटनिंग क्रीम बताऊंगा, ना ही तो स्ट्रेटनर बताऊंगा। मैं आज आप लोगों को बहुत ही सिंपल से इन वाइटनिंग कैप्सूल, सॉरी के हेयर कैप्सूल का रिव्यू देने वाला हूँ कि जिसको आप इंस्टेंटली इस्तेमाल करके बालों को कैसे शाइनी और ग्लोसी बना सकते हैं और फ्रीजी हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यकीन पता ही होगा कि हमारे स्किन केयर में खासकर गर्ल्स, उनको पता है कि यार जिनसे खूबसूरती जाहिर होती है यानी कि अट्रैक्टिव लगते हैं वो है हमारे हेयर। अगर वो ही अच्छे ही नहीं है यानी कि वो हेल्दी भी नहीं है, उनमें शाइन ही नहीं है, बिल्कुल बेजान है, तो जी आप लोगों की खूबसूरती किस काम की? जी हाँ दोस्तों, बिना बातें किए हुए सीधी पॉइंट पर मैं आता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ओताई वालों के हेयर एसेंस कैप्सूल, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ये कुछ इन कलर में अवेलेबल होते हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं अपने बालों को फ्रीजी हेयर से छुटकारा चाहते हैं और अपने बालों में एक शाइन चाहते हैं और एकदम से अपने बालों को बिल्कुल शाइन और ग्लोसी बनाना चाहते हैं, तो जी आप लोग इन हेयर कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग अपने हेयर में ऑयल नहीं लगाते यानी कि आप ऑयलिंग नहीं करते, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के बाल बहुत ही मैसी मैसी लगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि किसी किसी को हेयर ऑयलिंग पसंद नहीं है। लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं, आप लोगों का भाई है ना आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब मैं आप लोग यहाँ पे सबसे पहले मेरे हेयर की यहाँ पे कंडीशन देख लें। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पे हेयर कर्ल है, मैं आप लोगों से बात कोई नहीं छुपाता। और अब मैं इस हेयर को यानी कि इस हेयर कैप्सूल को अपने यहाँ पे हेयर पे अप्लाई करता हूँ। सॉरी, मेरी सीजर ही यहाँ पे टूट गई है, अब मैं थोड़ा सा इसको कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस कैप्सूल को कट कर लिया है और इसमें से यहाँ पे लिक्विड ही, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक सीरम बोल लें या आप यहाँ पे कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ अपने हेयर पे अप्लाई, अपने हैंड पर यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेता हूँ और अब मैं कर लेता हूँ अपने हेयर पर अप्लाई। और अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम अच्छी तरह से मैं 1 मिनट के लिए अपने हैंड पर यानी अपने स्कैल्प पर मसाज करूँगा, जिससे ये हमारे बालों में अच्छी तरह से शाइन ला सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने इस हेयर कैप्सूल को अपने हेयर में इस्तेमाल कर लिया है और अब मैं करने लगा हूँ कॉम। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे बालों में यहाँ पे हल्की हल्की सी आप लोग यहाँ पे शाइन चेक कर सकते हैं। वो असल में दरअसल मैंने अपने हेयर को वॉश भी नहीं किया और मैंने इसको वैसे ही अपने हेयर पर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी अच्छे से हेयर शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करना है, उसके बाद अगर आप लोग कंडीशनर अप्लाई करना चाहते हैं तो जी कर सकते हैं, अदरवाइज कंडीशनर की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप लोग ये हेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेयर वॉश के बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों की बालों की लेंथ ज्यादा है तो जी आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आधा अभी भी बच गया है, आप मेरे बालों की भी लेंथ देख सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ्रीजी हेयर से छुटकारा चाहते हैं और एकदम से अपने बालों में चमक चाहते हैं और ये बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली भी है, आप इनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आप लोग इन हेयर कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेयर के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के हेयर की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए और आप लोगों को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ज्यादा नहीं लेकिन हल्के हल्के से यहाँ पे कर्ल मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एकदम से आप लोगों के बालों से ड्राइनेस रिमूव हो जाए यानी कि फ्रीजी हेयर रिमूव हो जाए और आप लोगों के बालों में एक अलग से ही शाइन आ जाए, तो जो आप लोग इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि इन कैप्सूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और रही ये बात कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उम्र हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने स्किन का ख्याल रखिएगा।